हेलो फूडीज, वेलकम टू गुड मूड गुड फूड। मैं हूँ दामिनी और आज मैं बनाने वाली हूँ आंध्रा स्पेशल कटहल बिरयानी। तीन बहुत ही आसान स्टेप फॉलो करके हम ये बिरयानी बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम कटहल और सब्जियों को मैरिनेट करेंगे और इसके लिए मैं यहाँ पर एक कप दही ले रही हूँ। इस दही में मैं आधा चम्मच हल्दी मिला रही हूँ, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीन चम्मच बिरयानी मसाला, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डेढ़ चम्मच, सरसों का तेल दो चम्मच, और नींबू का रस दो चम्मच। और अब मैं डालूंगी सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है नमक एक चम्मच, और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मसाले अच्छे से मिल गए हैं और अब मैं इसमें मिला रही हूँ कटहल। कटहल को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए हल्दी पानी में उबाला है ताकि इसका चिपचिपापन खत्म हो जाए। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ आलू, गाजर, बीन्स, बीटरूट, हरी मिर्च और शिमला मिर्च जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इन सबको अब अच्छे से मसाले में मिला लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से सब्जियों में कोट हो जाएं। सब्जियों और कटहल को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और अब मैं इसमें मिला रही हूँ भुने हुए प्याज। और बारीक कटे हुए धनिया और पुदीना के पत्ते, इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इनको 30 मिनट के लिए ढककर मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, इनको हम फ्रिज में नहीं रखेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जहां हम बिरयानी का बेस बनाकर तैयार करेंगे। बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई में 3 चम्मच तेल लेंगे, आप घी भी ले सकते हैं, और इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। इनको लो फ्लेम में थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छी खुशबू आने लगी है और अब मैं इसमें स्लाइस किए हुए प्याज को मिला दूंगी और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे मैं भून लूंगी। प्याज जल्दी से भून जाए इसके लिए मैं 1/4 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। इनको मिक्स कर लेते हैं। प्याज ब्राउन हो गए हैं और अब मैं इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मिलाऊंगी। इनको कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। लगभग हमारे अदरक और लहसुन भुन गए हैं और अब मैं इसमें 1/2 कप टमाटर प्यूरी मिलाऊंगी और इसे भी मैं अच्छे से पका लूंगी।
टमाटर से ऑयल सेपरेट हो गया है, इसका मतलब है कि टमाटर पककर तैयार है। ये काफ़ी अच्छा भुन गया है और अब मैं इसमें 1/4 चम्मच नमक मिला रही हूँ। इनको मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें मैरिनेट किए हुए सब्जियों को मिला दूंगी। दो से तीन मिनट के लिए इनको हमें भूनना है अच्छे से। और अब हम इनको कवर करके 15 मिनट के लिए पकाएंगे। सब्जियां भुन गई हैं लेकिन अभी इनमें से ऑयल सेपरेट नहीं हुआ है, मतलब ये अभी तक पके नहीं हैं। और इनको 10 मिनट्स के लिए हम ढककर और पकाएंगे। सब्जियां हमारी भुन गई हैं और ये काफ़ी सूखी सूखी सी लग रही हैं, तो आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिला दूंगी। और अब हम इनको ढककर 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। इनको चेक कर लेते हैं। तो बेस हमारा पककर बिल्कुल तैयार है। चलाकर देखते हैं, बहुत अच्छे से सारी सब्जियां पक गई हैं। तो बेस हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है, इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है। इसको ढककर साइड में रख देंगे। हमारा बेस तैयार हो गया है और अब हम बिरयानी के लिए चावल बनाकर तैयार करेंगे। और उसके लिए मैंने एक भगोने में पानी लिया है और इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ। पानी में अच्छा उबाल आने देंगे। खड़े मसालों के साथ साथ इस पानी में हम 1/2 चम्मच नमक मिलाएंगे और 1 चम्मच ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं। पानी में उबाल आ गया है और अब मैं इसमें धुले हुए बासमती राइस को मिला दूंगी। ये लॉन्ग ग्रेन राइस नहीं है, आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी बासमती राइस ले सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उबाल आने देंगे। चावल बनाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चावल को हमें पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ 80% तक इसको पकाना है। चावल को उबलते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चावल को चेक कर लेते हैं, जैसा कि पकना चाहिए चावल वैसा पक गया है। इसको अब हम निकाल कर बेस के ऊपर स्प्रेड कर देंगे सारे चावल को। आप चाहें तो चावल को निकाल कर प्लेट में रखने के बाद उसे स्प्रेड कर सकते हैं बेस के ऊपर। अच्छे से इसे फैला देंगे और अब इस चावल के ऊपर हम केसर वाला दूध डालेंगे, 2 चम्मच बिरयानी मसाला डालेंगे। अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो आप डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। 2 चम्मच घी डालेंगे। और बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती और पुदीना की पत्तियों को अच्छे से छिड़क देंगे। बिरयानी को अब हम कवर कर देते हैं और जो इसका एक होल है उसे मैं लौंग की सहायता से सील कर रही हूँ।
और अब हम इसे धीमी आंच पर 20 मिनट तक पकने देंगे। बीस मिनट हो गए हैं, कवर इसका मैंने हटाया है अभी, और अब इसे हम चलाकर देखेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें पक गई हैं। आप भी इसी तरीके से एक बार इस बिरयानी को घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी आज की कटहल बिरयानी की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोज़ देखते रहिए।